नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑल इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ी खबर आ रही है और ये खबर यूपी के योगी आदित्यनाथ की नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए यूपी के सरकार ने जो मसौदा तैयार किया था, अब खबर आ रही है संसद यानी कि केंद्र सरकार से, जहाँ यूपी के तर्ज पर मैं आपको बता दूं संसद सत्र में यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून आज आपके सामने बताने जा रहा हूं कि लोकसभा में पेश क्या है पूरा का पूरा मामला और कैसे योगी के बाद मोदी भी फुल फॉर्म में आ गए हैं और एक बार फिर से कुछ खास समुदाय के लोगों को अब हिंदुस्तान में असहनशीलता होगी। अगर आप इस लाइन से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या असहनशीलता होगी या नहीं होगी और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और क्या मोदी सरकार का ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना सही है या नहीं सही है, यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। योगी ने तो सिक्सर मार ही दिया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार के जनसंख्या का नियंत्रण बिल पर चर्चा के बीच संसद में मानसून सत्र से भी पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल पर बहस होगी। जनसंख्या बिल को लेकर बीजेपी ने एक खास रणनीति भी बनाई है। दरअसल बीजेपी की योजना के अपने राज्यसभा सांसदों के जरिए इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल की तरह राज्यसभा में पेश करके चर्चा कराने की है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्राइवेट बिल मेंबर बिल पेश हो चुका है। मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में यानी शुक्रवार को इस बिल पर चर्चा हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी भी इस बिल के प्राइवेट बिल पेश कर चुके हैं, यानी कि राज्यसभा में ऑलरेडी इस बिल को लेकर के प्राइवेट बिल पेश किया जा चुका है, जो खबर हमने पहले भी आपको दिखाई थी। इस बीच लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि 19 जुलाई के आरंभ हो रही जो है मानसून सत्र के दौरान कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा जिन लोगों को कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें संसद सत्र के दौरान परिसर के प्रवेश पहले RT-PCR जांच करवाने को भी कहा गया है। संसद भवन परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि 323 सांसदों को कोविड रोधी पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, जबकि 23 सांसद कुछ चिकित्सीय कारणों से चलते टीका पहली खुराक भी नहीं ले पाए हैं। लेकिन अध्यक्ष ने कहा कि दोनों सदनों में 11 बजे के एक ही समय पर शुरू होगी और संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई को शुरू हो रहा जो 13 अगस्त चलेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अपने राज्य की जनसंख्या का नियंत्रण कानून लागू करना चाहती है और इसके मद्देनजर इसका एक मसौदा भी तैयार किया गया। इस मसौदे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दो बच्चों की नींद का उल्लंघन करने वाले स्थानीय निकाय चुनाव, सरकारी नौकरियों में आवेदन, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी सब्सिडी पाने में प्राप्त करने में वंचित रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो नियंत्रित स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 के नाम से प्रारूप राज्य विधि आयोग ने तैयार किया है और विधि आयोग ने इस विधेयक का प्रारूप अपनी सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया और 19 जुलाई तक जनता से इसकी राय भी मंगाई गई है। यानी कि जल्द आने वाले जो मानसून सत्र है इसमें अब जनसंख्या नियंत्रण कानून केंद्र में ही पेश किया जाएगा, यानी कि संसद में, लोकसभा और राज्यसभा, और इस बिल को पास करा करके खासकर कुछ लोगों को कष्ट होने वाला है और सुनसरता होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।